पूरी तरह से बदल गए हैं खंडेराव। उनके अंदर की शक्ति देवी अहिल्या ने जो जगाई है, उस शक्ति में गुन्नू जी भी पिस गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ऐसे सीन हमें और आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, जब देवी अहिल्या कोई बात कहती है और खंडेराव उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा इस कड़ी में भी दिखाई दिया, तो इस खुशी को तो शेयर करेंगे ही करेंगे। चलिए पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, गुन्नू जी अपनी जो शतरंज है उसके मोहरे बिठा के, सच मुंह पे आया उसको पीछे पचा के, द्वारका रानी को फिर से मूर्ख बना के पहुंच गए उस बैठक में जहां पे उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। मगर उनको ये वहम जरूर था कि खंडेराव है ना वहां पे। अहिल्या की क्या, वो तो कुछ भी बोलेगी, खंडेराव उसको काटेंगे काटेंगे, क्योंकि खंडेराव ने जो मेरी हालत देखी है, जो मैं अपने आप को मारने जा रहा था, अपने बाबा साहिब की वजह से मैंने कहा कि वो गद्दार है, मैं नहीं हूं, मैंने उसका विश्वास जीत लिया है, वो सारा सीन जो इतनी मेहनत की है मैंने, इतनी एक्टिंग की है, ओवर एक्टिंग की है, उसका परिणाम तो मुझे उसी समय मिल गया था जब खंडेराव ने कहा था कि आपका जो भी है पद आपको वापस मिलेगा। और फिर खंडेराव स्वयं आए थे मुझे बोलने के लिए कि आपका जो पद की जो स्वीकृति है मैंने बाबा साहिब से भी ले ली है, जबकि बाबा साहिब ने सिर्फ यह कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं इसमें जो अगर मैं होता तो मैं नहीं करता, सॉर्ट ऑफ जो भी मल्हार सरकार ने कहा था। तो ये पूरी उनको पता था कि अब मैं जाऊंगा, जो बैठक चल रही है मुहिम को लेके, वहां पे जाके मेरा तो स्वागत ही होगा, ज्यादा से ज्यादा अहिल्या देवी बोलेगी तो उनको खंडेराव चुप करवा देंगे। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा, मजा आ गया देख के कि देवी अहिल्या ने खंडेराव को चुप करवा दिया। एक मिनट रुक जाइए छोटी सुबेदार जी, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ऐसी बैठक में किसी सैनिक का होना बिल्कुल भी अलॉट नहीं है। ये बड़ी चोट मारी है देवी अहिल्या ने गुन्नू जी के जो दिमाग पे, क्योंकि इसीलिए वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा बौखला गए। तो वहां पे जब रोकती है तो सब रुक जाते हैं। तो देवी अहिल्या जो हमने सीन में देखा, सीधे सीधे गुरु जी से कहते हैं कि आपको इस बैठक में आना अलाउड नहीं है। खंडेराव कुछ नहीं कहते हैं, गंगूबाई तात्या भी कहते हैं छोटी रानी ठीक कह रही है, तो कुछ तो कहते हैं कि रिश्तेदार हो, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी गुस्सा हो गया भाई। अपना सा मुंह लेके वहां से गुरु जी निकल जाते हैं और खंडेराव को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो अपमान हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि खंडेराव अंदर से पूरी तरह से बदल गए हैं। अब उनको ये तो पता ही है कि अगर देवी अहिल्या कुछ कह रही है तो उसमें कुछ दम होगा, इसलिए मुझे अभी इसी की बात माननी है। गुन्नू जी को बाद में देखा जाएगा। तो जब ये चीज हुई दोस्तों, तो ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि अब खंडेराव जो मल्हार सरकार ने कहा कि सही रूप में अब खंडेराव राजा बनने के लायक हो गए हैं, क्योंकि राजा का लक्ष्य सीधा उस मुहिम की तरफ है जो मुहिम उन्होंने लड़नी है। उसी मुहिम के तहत जो भी नियम है उन नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। और गुन्नू जी को उन्होंने कोई बड़ा ओहदा देने का वादा नहीं किया, उन्होंने कहा मैं अपनी सेना में रखूंगा, तो सेना में तो सैनिक भी होते हैं, और वही देवी अहिल्या ने कहा। तो ये जो कायाकल्प हुआ है खंडेराव का, ये सच में सराहनीय है। खंडेराव ने असल में अपनी पहचान को अब पहचाना है, चाहे वो देवी अहिल्या के एफर्ट से हो, चाहे माल्यराव की बातों से हो, मगर आखिरकार अंदर से जिंदा तो खुद को खुद ही कर सकता है ना इंसान, वो खंडेराव ने कर दिखाया है। आगे जो भी इतिहास है वो है, मगर इस बात की खुशी जरूर है कि अगर खंडेराव को कुछ भी आगे होता है तो खंडेराव एक ऐसे योद्धा की तरह आज भी जाने जाते हैं, एक ऐसे जो वीर की तरह जाने जाते हैं जिनकी उदाहरण दी जाती है कि अगर युद्ध रणनीति ऐसी योजनाएं बनानी हो, लड़ाई जीतनी हो, तो खंडेराव को कोई मात नहीं दे सकता, उनकी तरह बनो। तो ये है दोस्तों कायाकल्प खंडेराव का, जो देख के अच्छा लगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.